अयोध्या में रामनवमी के मौके पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल रामलला के माथे पर सूर्य किरण 12:16 के करीब 5 मिनट तक पड़ेगी। रामलला का दरबार श्रद्धालुओं के लिए 20 घंटे खुला रहेगा। रामनवमी पर शुभ मुहूर्त क्या क्या है, रामलला कौन सा वस्त्र पहनेंगे, न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पूजा और शुभ मुहूर्त के बारे में बताया। आप भी सुनिए। सालों का इंतजार खत्म हुआ, तब यह घड़ी आई कि राम मंदिर इतना भव्य दिव्य बना। लेकिन रामनवमी और खास है क्योंकि सालों इंतजार किया, तब टाट से उठकर ठाट से रामलला बैठे और सत्येंद्र दास जी जो उस वक्त से सेवा कर रहे हैं जब वो टेंट में बैठे हुए थे, मुख्य पुजारी हैं रामलला के मंदिर के। महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो यही, कितने खुश हैं? आपने तो हर दिन देख लिया, हर रामनवमी देखी, लेकिन ये पहली रामनवमी भव्य दिव्य, लाखों श्रद्धालु। पहली रामनवमी मनाए हुए विवादित ढांचा में, हाँ। और 28 वर्ष नवमी मनाया हमने रामलला को त्रिपाल में, हाँ। 3 साल हो गया रामलला अस्थाई मंदिर में। 28 रामनवमी त्रिपाल में मनाई? जी हाँ, 28 रामनवमी त्रिपाल में, 1 रामनवमी विवादित ढांचा में, हाँ। जो राम जन्मभूमि, और 3 रामनवमी हो गया ये अस्थाई मंदिर में, हाँ। ये चौथी यह है रामनवमी जो भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है और इनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा लेकिन है। भव्य दिव्य की पहली है जी, भव्य थी, बहुत सुंदर और बहुत दूसरे ढंग से है, समझो कि एक प्रकार से यह भव्यता दिव्यता जो अपने आप में अलौकिक होगी। अलौकिक इसलिए होगी कि जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ था और सूर्य दोपहर में, तो सूर्य जो है वो 1 महीने तक यहाँ से नहीं गए थे। हाँ, मास दिवस का दिवस भा, हाँ। मर न जाने कोई कोई इसको जान नहीं पाया कि आखिर सूर्य रामचरितमानस की चौपाई है। जी हाँ, हाँ, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सूर्य ही नहीं डूब रहे हैं, सूर्य जैसे हैं। और इस वर्ष का वैज्ञानिकों ने, विशेषकर ट्रस्ट ने ये सोचा है कि भगवान राम के जन्म समय में जब 12 बजे जन्म होगा तो उनके लीलार पर जो टीका दिखाई दे वह सूर्य के किरण। आपने तो देखा भी ना अभी जब रिहर्सल हुआ था, हाँ। कैसा लगा, कितना खूबसूरत? बहुत अच्छा लगा, मालूम पड़ा कि साक्षात राम, हाँ, मालूम पड़ा कि भगवान उसी पर यहाँ सूर्य नारायण स्वयं आ करके इनके मस्तिष्क बैठ करके और उदय हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दिया। और उसी प्रकार से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ साथ, और पहले तो कलश स्थापन होकर पूजा हो रही है। अच्छा, रामनवमी का ही कार्यक्रम बता दीजिए 17 तारीख का, क्या क्या कार्यक्रम है, कितने बजे से होगा और आप कितने बजे मंदिर जाएंगे? देखिए, रामनवमी के दिन 3 बजे मंदिर खुलेगा, सुबह 3 बजे, हाँ 3 बजे खुलेगा, और पहले अभिषेक होगा। अच्छा, रामलला का, हाँ, चारों भाई वो हैं और रामलला ही हैं, इनके सब चल अचल मूर्ति दोनों का अभिषेक होगा। अभिषेक होगा तो 5 बजे श्रृंगार आरती होगी, तो श्रृंगार आरती होने के बाद तब मंदिर खुलेगा, और मंदिर खुलने के बाद सबका दर्शन शुरू होगा। इसके बाद दर्शन होता रहेगा, फिर जब 12 बजेगा, 12 बजे के पहले ही वह दृश्य दिखाई देगा जो कि उस दौरान दर्शन रोक दिए जाएंगे थोड़ी देर के लिए ना। दर्शन जो है कल लगभग 15-20 मिनट तक रुके रहेंगे, जब तक वो पूरी जो है प्रक्रिया रहेगी। जी हाँ, तो उतने देर दर्शन रोक दिया जाएगा, उसके बाद फिर दर्शन होता रहेगा और दर्शन चलेगा 12 बजे रात तक। 12 बजे रात में जो है अंतिम आरती जो होती है वो शयन आरती होगी, इसके बाद मंदिर बंद होकर भगवान को शयन कराइएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया है, और उसमें कई प्रकार के, जैसे 4 प्रकार की पंजीरी है, पंचामृत है, और उसके बाद में फल है, मिष्ठान है, सब ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो भगवान को भोग लगेंगे, और 56 प्रकार के भोग लगेगा, और सब भोग लगा करके भगवान राम के समर्पित पहले किया जाएगा। सत्येंद्र दास जी, जिन्होंने आपको साल दर साल बताया कि 1 साल उस विवादित ढांचे में, 28 साल टेंट में, 4 साल जो है अस्थाई मंदिर में, और ये आया सुनहरा साल
जब भव्य दिव्य मंदिर में राम लला के दर्शन आपको राम नवमी पर होंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18।